कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शहर की गतिविधियों को तो अनलॉक कर दिया गया, लेकिन कोरोना की त्रासदी कम करने वाले वैक्सीनेशन अभियान को लॉक कर दिया गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब लगातार चौथे दिन मनपा और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने की जानकारी दी जा रही है। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि सरकार से मनपा को कोविड शील्ड की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे शुक्रवार को भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। विशेषतः किसी भी उम्र के वर्ग का वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए केवल कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे 45 प्लस के वर्ग में मेडिकल अस्पताल इंदिरा चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल और महल रोग निदान केंद्र पर कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 18 से 44 वर्ष की आयु में जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लिया है, उन्हें मेडिकल अस्पताल और महल रोग निदान केंद्र पर दूसरा डोज दिया जाएगा, किंतु उसके लिए भी संबंधितों को ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि शहर के कुछ निजी अस्पतालों में शुल्क लेकर पदस्थुर कोविशील्ड और अन्य कंपनियों की वैक्सीन दी जा रही है, केवल सरकारी केंद्रों पर ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि शहर की कुल 35 लाख जनसंख्या में भले ही वैक्सीन लेने वालों की संख्या कुछ कम हो, लेकिन लगभग 25 लाख लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। अब तक पहला और दूसरा डोज मिलाकर केवल 8,84,000 टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें पहला डोज 6,70,748 और दूसरा डोज केवल 2,13,724 लोगों को ही लग पाया है, जबकि हर दूसरे दिन वैक्सीनेशन बंद रखने की घोषणा हो रही है, जिससे घोषणा के अनुसार दिसंबर अंत तक सभी को टीका लग पाना संभव दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा अटवार की रिपोर्ट।